Hi. Hello, hello. Oh, nice. Okay. I like it. Okay, I am not. Thanks, man. इसमें सारा कुछ अंदर लाया, बाहर कुछ दिखता नहीं. सच में. सारी चीजें. नहीं बस एक ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लगाने की वजह अगर अंदर की और यहाँ कहीं लगाता तो इस दोनों रूम में रीच अच्छी होती. उसकी वजह से क्या होता है थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम होता है ना. अब नहीं होगा 100 Mbps. और आप काफ़ी हैंडसम लग रहे हो ऑनेस्टली. ऑनेस्टली स्पीकिंग. पिंटरेस्ट से लिया था क्या आपने? नहीं लिया, बंदा था उसने अच्छे से बताया मैंने कि मुझे लग गई है भूख गए और वहीं पे वो काम कर रहा है सो इट्स सो ऑकवर्ड टू वहाँ से लेना. मुझे लगता है तुरंत करके चला जा रहा है. यहाँ के लोगों का काम बहुत वो है, पक्का पता है कि ये करना है और करके वो चला जाएगा. और पक्का क्या कहते हैं 3 बजे का टाइम है, 3 बजे आ गया था. मुझे लगा कि कोई कांटेक्ट आया. 3 बजे आया था और आधे घंटे से वेट कर रहा. मुझे 2-3 बार कॉल आया वहाँ पे तो मुझे कॉल का पता नहीं चला. नॉर्मल नंबर पर जब कॉल किया ना तो रिंग हुआ तो मैंने उठाया तो उसने बोला कि ऑलरेडी वेटिंग. तो मैं लॉबी भाग के गया. तब मैंने तुमसे कंफर्म किया भाग के कि है तो मैं लॉबी में फिर वेट किया तो अभी आया. गाइस रवि को चाहिए टी और मुझे यहाँ कुछ समझ आ नहीं रहा है. दे आर लॉट्स ऑफ टीज बट जो मिल्क टी है ना आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. सी वी हैव जिंजर टी, वी हैव ग्रीन टी, जैस्मिन टी, अगेन ग्रीन टी. थे असली आई डोंट नो विच वन इज द वन विच आई एम लुकिंग फॉर. I'm taking this classic. I want the big one. Let's see. यहाँ तो अभी बस यही है. इसमें क्या होता है ना कि आपको पूरा
पैकेट खराब होने का पूरा ही डर रहता है, मेरा बिल्कुल ही डर लगता है पूरा पाउच सैशे खराब ना हो जाए। यहाँ पे मुझे एक मिल गया है द क्लासिक वन, पर इसमें मुझे इतना डर है इस बात का कि कहीं ये वो ना हो जाए, हवा लगने के बाद ना बिल्कुल वो रॉक बन जाता है, वो ना हो जाए। लगता है किसी को हेल्प के लिए बुलाना ही पड़ेगा, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, बट मैं ज़रूर दिख जाऊंगी आपको। चलो यहाँ पे मेल्टी को कहते हैं तेज सुसु, एंड दे आर हियर टू हेल्प मी, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट। मिल्टी दिस ओके guys, so I have few things to show you guys. रवि को टी की तलब खत्म नहीं हो रही थी तो हमने ये ले लिया है। यहाँ की कोई टी है आई डोंट नो, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो आई गॉट अ सैनिटाइजर फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो यू शुड ऑलवेज कैरी योर सैनिटाइजर, अगेन डेटॉल वाइप्स, एंटी बैक्टीरियल वेट वाइप्स है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन आवर नेक्स्ट ट्रिप। अभी कहीं भी जाने से पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ड्रैगन फ्रूट माई आर फेवरेट एक्चुअली, ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो टू जिम। मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि मैं आउट ऑफ एनर्जी हो जाती हूँ पहुँचने के बाद। एंड वन थिंग विच आई ट्राइड एंड आई रियली लाइक्ड इट वॉज अ सेरम, काइंड ऑफ कैप्सूल सेरम, एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल। यू कैन सी glossiness and the softness of my hair, so you can actually see only but I can feel it and it was really helpful. तो मैंने सोचा कि रवि के लिए, मैंने बहुत सारे सलों हेयर ड्रेसर्स को सुना है कि यू शुड डेफिनेटली यूज़ हेयर मास्क, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी द यू नो रेगुलर केयर हेयर केयर रूटीन में आपके आने चाहिए। सो आई हैव गॉट दिस हेयर मास्क फॉर रवि, let's see if it is effective, then I'll buy the bigger, the box one, the dabba one, you know. So abhi sachet leke aaye trial ke liye, and this banana which is not ready to eat because ek din agar main rakh dungi aaj se kal main ye khane layak ho jayega properly, that was it actually. nahi that was not it. So I've got this cinnamon powder for a reason and the cumin powder. So yeah, cumin powder किसी भी रायता वायता में डाल के खाने में मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, एंड ये लिया है क्योंकि हमारे रिमोट की बैटरी, सारे रिमोट्स की बैटरी ऑलमोस्ट लाइक डेड होने वाली है क्योंकि 1 year हो चुके हैं हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज छोटू सा हॉल। अभी फटाक से नहाऊंगी, प्रोटीन पीऊँगी। अभी आज मैं इसलिए मूव करने चली गई थी थोड़ा अपनी बॉडी को, आज मैंने मूव किया है। टुडे आई एक्चुअली पुश्ड माय सेल्फ टू गो टू द जिम बिकॉज यू नो दो तीन दिन हो गए थे ऑलरेडी, दो दिन मैं ब्रेक लेती हूँ मैक्सिमम, तीसरा दिन आई फील लाइक छूट रहा है करके। सो मैंने क्विक एक यू नो ऐसे एक क्विक सा ट्रिप लगाया जिम का, लाइक गई और लाइक 40-45 मिनट्स में वापस आ गई बिकॉज मेरा मोटिव था कि मैं जाऊंगी तो ज़रूर लेकिन वॉक करके अच्छे से आ जाऊंगी। आज मैं उछलने कूदने वाला नहीं कर सकती बिकॉज इट्स माय सेकंड डे ऑफ पीरियड्स, स्टिल मैंने सोचा कि थोड़ा मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट तो मैं चली गई। बट जब मैंने ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट्स वॉक किया था एलिवेट करके लाइक 13 पे ऑलमोस्ट, ओ गॉड मेरे को चक्कर आने लग गया। आई क्विकली टेक्स्टेड रवि एंड ही सेड कि कम बैक, रहने दो आज मत करो कल से करना। सो आई वाज लाइक यार लेट्स गो। उसके बाद मैं ये सब लेकर आई हूँ, अभी फटाक से
नहाती हूँ। हम जाने से पहले मोटिवेशन क्या था पता है आप लोगों को? जाने से पहले मोटिवेशन था कि आखिर मैं एक फ्रेश बाथ लूँगी एंड देन आई फील फ्रेश अगेन। सो इस मोटिव से भी मैं उछल के गई थी और अभी फटाफट से नहा कर आती हूँ। आई विल हैव माय प्रोटीन शेक एंड देन आई हैव टू कुक चूड़ा फ्राई फॉर यू बिकॉज आई लव इट। आज मैंने बनाया काला चना तो डेफिनेटली शुड गेट दैट ट्रीट राइट। लेट्स डू इट।